हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीत तिवारी और मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी क्लीन अप, जो कि काफ़ी लंबे टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम बताइए क्लीन अप में कौन कौन सी क्रीम यूज होती है और कैसे करना चाहिए, स्टेप बताइए उसके। तो मैं सब कुछ बताने वाली हूँ। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, और वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लुक पर ध्यान मत दीजिएगा, क्लीन अप करना है तो मैं ऐसे ही आई हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि क्लीनअप में कौन कौन सी चीज़ें यूज होती हैं और उसका क्या क्या फ़ायदा होता है। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपने फेस को अच्छे से वॉश करके आओगे, कोई भी डर्ट गंदगी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद से आपको सबसे पहला स्टेप करना है क्लींजिंग मिल्क, जो कि बहुत सारी ब्रांड्स का आती है। मेरे पास सुपर हर्बल क्लींजिंग मिल्क है, ये मैंने बड़ा पैक लिया है क्योंकि पार्लर में यूज़ करना होता है। अगर आप घर पे हो, सिंगल करना है, तो आप छोटा वाला पैक ले सकते हो। एक पैक में मतलब छोटा वाला आप 50 रुपये का लोगे तो 3 से 4 बार या फिर 5-6 बार सिंगल करना है तो 5-6 बार हो जाएगा। तो आप वो छोटा वाला यूज कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे सुपर का हर्बल डीप प्योर क्लींजिंग मिल्क यूज कर रही हूँ विद एलोवेरा फॉर ऑल स्किन टाइप है ये। और पार्लर में तो ऑल स्किन टाइप ही रखना पड़ता है क्योंकि अलग अलग स्किन टोन के, अलग अलग स्किन टाइप्स के लोग आते हैं। और आयुर का भी मिलता है छोटा वाला पैक, आप वो यूज कर लीजिएगा। तो क्लीनअप का पहला स्टेप है क्लींजिंग मिल्क, इसको कैसे अप्लाई करना अभी बताने वाली हूँ, तो पूरा बने रहिए वीडियो के साथ। और सेकेंड स्टेप होगा आपका स्क्रबिंग का। स्क्रबिंग से क्या होता है कि आपके स्किन पे जो ब्लैक हेड्स होते हैं और स्किन पोर्स जो ओपन हुई रहती है और डेड स्किन होते हैं, स्किन आपकी डल और बेजान होके लूज पड़ने लगती है, तो स्क्रब से आपका ये सब ठीक होता है। पिगमेंटेशन होते हैं, ये सारी चीज़ें, पिंपल्स आती हैं, हल्की फुल्की पिंपल्स आती हैं, तो स्क्रबिंग करने से आपका वो कंट्रोल में रहता है। और ये वाला स्क्रब मैंने मंगाया था मीशो ऐप से, फेस एंड बॉडी स्क्रब है ये, एलोवेरा है इसमें, बहुत ही अच्छा है। और इसका इसकी खुशबू एकदम चॉकलेट की तरह है, बहुत ही अच्छा है। और ये स्किन टोन को थोड़ा सा फेयर करने के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है, तो आप इसको यूज कर सकते हो स्क्रब के जगह पे। चॉकलेट फेस एंड बॉडी स्क्रब है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हो। तो इसको मैं सेकंड स्टेप आपका ये होगा, फर्स्ट तो क्लींजिंग के बारे में बता दिया, सेकेंड ये है स्क्रबिंग, स्पेशली आपके पिंपल्स वाली स्किन और झुर्रियों को और डेड स्किन और यहाँ पे जो ब्लैक हेड्स आ जाते हैं नोज के आसपास में, उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो स्क्रबिंग आपको हफ्ते में एक बार या फिर 2 बार, अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑयल आता है तो आप 2 बार कर सकते हो, अदरवाइज आप 1 बार कर सकते हो। और थर्ड एंड लास्ट स्टेप होगा आपका पैक का। तो मैंने यहाँ पे पैक मेरे पास नहीं था, इसीलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। काफ़ी दिनों से मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी, बट हमारा एरिया जैसा कि आपको पता है बिहार में लॉकडाउन चल रहा है, तो हाँ, तो मैं बता रही थी पैक के बारे में। तो ये पैक है सैंडल, आयुर का हर्बल सैंडल फेस पैक है, एंटी ड्राइनेस पैक है ये। फेस पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है, उसके लिए मतलब मेरा स्किन ड्राई है तो मैंने अपनी स्किन के हिसाब से मंगाया है। आपका जैसा स्किन टोन हो, जिस टाइप का स्किन है, उस हिसाब से आप मंगाइएगा। ये 15 रुपये में आपको मिल जाएगा कहीं भी। अभी आपका इसका रेट 20 रुपये हो गया, पहले 15 रुपये था। तो इसको मैं गुलाब जल के साथ अप्लाई करूँगी, बहुत ही अच्छा रहता है, इससे ग्लो भी बहुत अच्छा आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी कि क्लीनअप में क्या क्या चीज़ें अप्लाई होती हैं। तो सबसे पहले आप जब भी अप्लाई कर रहे हो तो पास में पानी रख लीजिए और क्लींजिंग मिल्क को अप्लाई करना है, स्पंज रख लीजिए। एक मिनट में सब ले, तो यहाँ पे मैंने पानी रख लिया है, पानी साथ में ज़रूर रखिएगा और स्पंज भी रख लीजिए फेस साफ करने के लिए। उसके बाद से थोड़ा सा क्लींजिंग मिल्क ले रही हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे सेल्फ बता रही हूँ, आप इसी तरीके से दूसरों पे भी कर सकते हो, और अपना खुद का करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। मैं इतना सा क्लींजिंग मिल्क ले रही हूँ, इसको तो आप अपनी हथेलियों से अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। अच्छे से मसाज करना है सर्कुलर मूवमेंट में, कम से कम इसको 5 मिनट तक आपको मसाज करना है। थोड़ा थोड़ा पानी साथ में ले लीजिए, इससे क्या होता है कि आपकी स्किन में क्रीम अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाती है और अच्छा काम करती है। तो मैं इसको 5 मिनट मसाज कर लेती हूँ, फिर आती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग बोर होने लग जाओगे। तो इस तरीके से मैं इसको पूरा मसाज कर लिया है मैंने। Thank you.
5 मिनट के बाद इसको साफ़ कर लेना है और सेकंड स्टेप अप्लाई करना है यानी कि स्क्रब। तो ये मैंने क्लिंजिंग मिल्क रिमूव कर लिया है और सेकंड स्टेप है स्क्रब। देखिए कैसा है, बहुत ही अच्छा है, खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी है। इतना सा लोगे बस और पूरे फेस पे अप्लाई करोगे। स्क्रबिंग अप्लाई करते टाइम आपको ध्यान देना है कि इसको आपको हथेलियों से नहीं रगड़ना है, ओनली फिंगर टिप्स से अप्लाई करना है, वो भी हल्के हाथों से, क्योंकि इसमें जो एवरी यूथ का होता है और ये चॉकलेट वाला, इसमें जो दाने होते हैं बहुत ही हार्ड होते हैं, तो आप इसको तेज अगर रगड़ोगे तो आपकी स्किन छिल सकती है। तो एकदम हल्के हाथों से अप्लाई करना है। इसको भी 5 मिनट तक आपको अप्लाई करना है। स्क्रबिंग को आपको आईज के आसपास में अप्लाई नहीं करना है और नोज के आसपास में ज़्यादा अप्लाई कीजिए, क्योंकि यहाँ पे अक्सर लोगों को ब्लैक हेड्स हो जाते हैं। बस आईज छोड़ के पूरे फेस पे आपको अप्लाई कर लेना है अच्छे से। आप इसको हैंड पे, बॉडी पे, गर्दन पे जो आपकी ब्लैकनेस हो जाती है उस पर भी अप्लाई कर सकते हो। देखिए मैं सिर्फ फिंगर से अप्लाई कर रही हूँ, कभी भी ऐसे अप्लाई नहीं करना है, इससे आपके रिंकल्स और झुरियाँ फाइन लाइन ज़्यादा दिखने लग जाती हैं। ऊपर की तरफ ही अप्लाई करना है, फेस पैक भी आपको ऊपर की तरफ ही अप्लाई करना है। तो इसको भी मैं 5 मिनट तक मसाज करती हूँ, उसके बाद से आती हूँ। स्क्रबिंग में आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये हमारा स्क्रबिंग भी कंप्लीट हो चुका है। इसको भी अब साफ कर लेती हूँ मैं। तो लास्ट बारी आती है हमारी पैक की, तो पैक को मैं ओपन कर रही हूँ। एकदम न्यू पैक है, अभी इस टाइप का पैकेट आएगा अंदर से, इसको ओपन कर लेना है। अपने फेस पे जितना लगाना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ले लोगे इसको, मैंने इतना सा लिया है। इसके बाद से आपको दोबारा से इसको गुलाब जल को लेना है और थोड़ा सा गुलाब जल नीला थोड़ा सा इसमें लेना है, एकदम गुलाब जल को अच्छे से अप्लाई करना है। एकदम हल्का सा डालिएगा, नहीं तो ये बहुत ही पतला पेस्ट हो जाता है, फिर अप्लाई करने में आपको प्रॉब्लम होगी। बहुत ही अच्छी खुशबू है इस पैक की भी, ज़्यादा ही हो गया। तो इसको मैं इस तरीके से बना ले रही हूँ ऊपर। ये मेरा ढक्कन है ब्लीच का, ओलिविया ब्लीच अप्लाई करते हैं उसमें का बचा हुआ है, तो मैं इसको यूज कर लेती हूँ अच्छे से। इसका मतलब ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा पैक का बनाना है और इस तरीके से पूरे फेस पे अप्लाई कर लेना है। बस सिंपल है। इसको अप्लाई करने के बाद से आपको 15-20 मिनट तक इसको रखना है और जब सूख जाए तो आप इसको वॉश कर दो नॉर्मली ठंडे पानी से। कभी भी फेस पैक आपको इस तरीके से ऊपर की तरफ अप्लाई करना है, बहुत ही अच्छा सा ग्लो आ जाता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप क्लीनअप के बारे में आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा और जिसको जिसने रिक्वेस्ट की थी उनकी रिक्वेस्ट भी पूरी हो गई है। तो ये सूख जाता है, फिर मैं वॉश करके और फिर आप लोग को दिखाती हूँ। मैंने इसको अप्लाई कर दिया है। बहुत सारी फेशियल और ब्लीचिंग की वीडियोज है मेरे चैनल पर, अगर आपको देखनी हो तो आप जाके देख सकते हो। तो मिलते हैं, ये सूख जाए और वॉश करके फिर मैं आती हूँ। 15-20 मिनट तक रखना है, पूरा सूख जाए उसके बाद वॉश करना है। ओके, तो आप देख सकते हो पूरा अच्छे से ड्राई हो चुका है। यहाँ पे मैंने पानी लगा दिया तो दोबारा से गीला हो गया, पानी पी रही थी ना तो गिर गया। तो अभी मैं इसको वॉश करके आती हूँ और फिर आपको पूरा ऐसे ही ड्राई हो जाना चाहिए अच्छे से। पूरा सूख जाने के बाद से इसको नॉर्मली हल्का हल्का गुलाब जल या पानी लगा के मसाज करके फिर उसके बाद से वॉश कर देना है। तो मैं वॉश करके आती हूँ फिर दिखाती हूँ आप लोग को। तो ये देखिए गाइस, मैंने वॉश कर लिया है और बहुत ही अच्छा सा ग्लो लग रहा है।
आप लोग को भी आई होप कि फील हो रहा होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, और तो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन से प्रेस कर लीजिएगा। और भी कोई भी डाउट हो ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स से रिलेटेड तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, मैं उसके यूट्यूब के ऊपर भी वीडियो जरूर बना दूंगी। और हाँ, मेरा एक और चैनल है इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी, तो प्लीज़ उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहाँ पर आपको मेरी ब्लॉगिंग चैनल मिलेगी, और वहाँ पर मैं रेसिपीज और कपड़ों की कटिंग स्टिचिंग भी स्टार्ट कर रही हूँ, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी बहुत ही शॉर्ट क्लिप में, एक दो मिनट में ही कपड़ों की पूरी कटिंग स्टिचिंग बता देती हूँ, बाकी सारा वीडियो ब्लॉग का होता है। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा, और भी कुछ भी सीखना हो तो ज़रूर बताइएगा, है ना। अच्छा सर, बाय।